Hello, dear students of 9th grade. Today I will discuss about the 8th chapter of history. So let us go through this chapter. The name of the chapter is Medieval India, the Delhi Sultanate. Syllabus में अब क्या क्या है इसके? The Delhi Sultanate. Sources क्या है इसके? Inscriptions, कुतुब मीनार के बारे में हम पढ़ेंगे. Political history and administration. कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी and मोहम्मद बिन तुगलक. By the 10th and 11th century, numerous small kingdoms had emerged in North India because of the absence of powerful central government. 10वीं और 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एब्सेंस में है बहुत सारी जो है डेनेस्टीज हैं किंगडम्स हैं वो इकट्ठी अमर्ज हुई. दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. उनमें लेकिन एक दूसरे के साथ जो है वो उनका जो है झगड़ा ही चलता रहता था. दिस लैक ऑफ पोलिटिकल यूनिटी was largely responsible for quick victories of the Turk, who began their conquest in 11th and 12th century. Turk ने जो है वो अपनी जो है dynasty शुरू की. However, their empire was established in the 13th century. The period between 12006 and 1526, when five dynasties successively ruled from Delhi, is known as the period of Delhi Sultanate. पांच जो डायनेस्टीज हैं उन्होंने रूल ओवर किया दिल्ली पे, उस जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत. इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज द रूलर ऑफ वेरियस डायनेस्टीज विच रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली वर कॉल्ड द सुल्तान. सोर्सेज क्या हैं इसके? देयर आर नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कोर्ट हिस्ट्रीज, क्रॉनिकल्स, फॉरन ट्रेवलर्स अकाउंट्स एंड प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस which provide much information for reconstructing the history of the Delhi Sultanate. अब इसके कौन कौन से फीचर, कौन कौन से जो हैं सोर्सेज हैं मोई मेन. फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस आर वैल्यूएबल सप्लीमेंट एंड नॉट द सोल सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन दिल्ली सल्तनत. द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन कॉइन्स, मोन्यूमेंट, माइलस्टोन एंड टॉम्बस्टोन. सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, सम आर इन अरेबिक एंड इन सम इन बोथ द लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉइन इशूड बाय द मोहम्मद बख्तियार खिलजी बियर बोथ अरेबिक एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन. सेकेंड क्या है इनका? मोन्यूमेंट. The ruler of Delhi Sultanate built many monuments which reveal not only the culture trends of the period but also the living conditions, faith and beliefs and socio-culture outlook of the ruler. The most significance of these monument is Qutub Minar in Delhi. Qutub Minar ke bare mein to aapko pata hi hoga jo Delhi mein hai. It was started by Qutubuddin Aibak and was addicted to the Sufi Sant Qutubuddin Bakhtiar Kaki. Who was greatly venerated by the people of Delhi. The structures was completed by Itumish. Its special features are, इसके क्या क्या special features हैं? Let us go through them. When originally completed, it rose to a height of 71.4 meter with four stories. The tower was damaged by lightning in 1369. एक बार तो वो damage हो गया था. And it in the course of the repair of renovations, फिरोज शाह तुगलक फर्दर रेज्ड इट्स हाइट. पहले जो उसकी हाइट है वो फोर स्टोरी था, लेकिन जब उसे दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो उसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज कर दिया गया था. यू कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर. इट हैज़ फाइव स्टोरी टैपरिंग एज दे असेंड. ईच स्टोरी हैज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय प्रोजेक्टिंग बालकनी. द एंट्रेंस इज थ्रू द डोरवे ऑन द नॉर्थ साइड. The minar is a circular tower about 13.8 meter in diameter at the base and taper to the width of around 3 meter at the summit. It has a circular stairway of 379 steps leading to the top. इसके अंदर से जो है वो stairs हैं वो कितनी हैं? 379. Red sandstone marbles and grey क्वार्ट्ज़ाइट वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द टावर. रेड रेड जो ज़्यादातर जो मार्बल है वो यूज़ किया गया. ईच ऑफ द टावर हैज़ ए प्रोजेक्टिंग बालकनी. दीज बालकनीज आर सपोर्टेड इन सच अ वे दैट द होल स्ट्रक्चर टेक द लोड ऑफ वेट. नो वंडर दैट सच एन ओल्ड बिल्डिंग हैज़ लास्टेड सो मैनी सेंचुरीज. वर्सेज फ्रॉम द होली कुरान एंड सम इंट्रिकेट कार्विंग विद फ्लोरल मोटिव आर इंस्क्राइब्ड ऑन दिस टावर. द
स्लेव डायनेस्टी, देयर वर फाइव सक्सेसिव रूलिंग डायनेस्टीज, नेमली स्लेव्स, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, पांच डायनेस्टी थी जो। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। दिल्ली पास इन टू द हैंड ऑफ दीज रूलर लेटर। फ्रॉम दिल्ली द टर्किश रूलर वॉज एक्सटेंडेड इन टू द जेनेटिक प्लेन्स एंड द बिहार एंड बंगाल। द विक्टोरियस टुर्क बिफोर लीविंग फॉर अफगानिस्तान लेफ्ट बिहाइंड अ स्लेव जनरल कुतुबद्दीन ऐबक एज वाइसरी ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड। कुतुबद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं। ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। द अर्ली रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड द मोलक सुल्तान हु वर्ड द वर्ड मोलक इज एन अरेबिक वर्ड दैट मीन्स ओन्ड। सिंस दिस सुल्तान्स वर अर्लियर ईदर द स्लेव्स ऑफ द तुर्क सो वर द सन्स ऑफ द स्लेव्स दे वर कॉल्ड ममलिक सुल्तान। टू कम्प्लीट हिज मास्टर वर्क कुतुबद्दीन ऐबक एम्बार्क्ड ऑन अ सीरीज ऑफ कन्क्वेस्ट एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ कलिंजर एंड बुंदेलखंड। बिसाइड बींग अ ब्रेव एंड कैपेबल मिलिट्री जनरल कुतुबद्दीन ऐबक वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। स्कॉलर्स लाइक हसन निजामी एंड फरखे मुदीर अडॉर्न्ड हिज कोर्ट। बिकॉज ऑफ लिबरल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मनी ही अर्न्ड द टाइटल ऑफ लक बख्श। कुतुबद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबद्दीन बख्तियार खाखी विच वॉज कम्प्लीटेड बाय इतुमिश इन 1210। ऐबक डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर वाई प्लेइंग चौगन और पोलो। कुतुबद्दीन ऐबक सन आराम शाह हैड सक्सीडेड हिम इन 1211। सिंस आराम शाह वॉज एन इनकैपेबल रूलर ही वॉज ओवरथ्रोन बाय इतुमिश द स्लेव एंड द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। कुतुबद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे और उन्होंने जो है उनके वो ग्रेट मिलिट्री जनरल भी थे और कुतुब मीनार की जो नी है जो कुतुबद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। सो स्टूडेंट वी हैव रेड दिस चैप्टर अप टू द पेज नंबर 75 टिल हेयर। इन नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल प्रोसीड फर्दर। टिल देन थैंक यू।